मात्र 9 सेकंड में ध्वस्त होगा नोएडा का बुर्ज खलीफा। 3700 किलोग्राम आरडीएक्स का किया गया है इस्तेमाल। देश की सबसे बड़ी इमारत को गिराने की तैयारी पूरी। 28 अगस्त को मिट्टी में मिल जाएगा नोएडा का बुर्ज खलीफा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसे नोएडा का बुर्ज खलीफा भी कहा जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मदद से बने इस अवैध बुर्ज खलीफा को 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में छोटे अधिकारियों की बलि चढ़ा दी गई है और बड़े अधिकारियों को बचा लिया गया। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के इस पाप के महा इमारत को मात्र 9 सेकंड में ही ढेर कर दिया जाएगा। बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों से तालमेल बिठाकर इस अवैध ट्विन टावर को खड़ा किया था। 28 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण के लिए प्रेस बटन दबाने वाले भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता का कहना है कि ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण एक सरल प्रक्रिया होगी और इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई आशंका नहीं है। बता दें कि इन दोनों टावरों को गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विन टावर को ब्लास्ट करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए चेतन दत्ता ने कहा कि एक सरल प्रक्रिया है। हम डायनेमो से करंट उत्पन्न करेंगे और फिर बटन दबाएंगे जो 9 सेकंड के भीतर सभी शॉक ट्यूबों में विस्फोट को प्रज्वलित कर देगा और इस तरह से पूरी बिल्डिंग ध्वस्त होकर नीचे गिर जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम इमारत से लगभग 50 से 70 मीटर दूर होंगे। इस ब्लास्ट में कोई खतरा नहीं होगा और हमें पूरा यकीन है कि इमारत सही तरीके से गिर जाएगी। ब्लास्टिंग क्षेत्र लोहे की जाली की 4 परतों और कंबल की 2 परतों से ढका हुआ है, इसलिए कोई भी मलबा इधर उधर नहीं उड़ेगा, लेकिन धूल उड़ सकती है। बता दें कि 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कुतुब मीनार से भी ऊंचे सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे 9 सेकंड में ध्वस्त होने वाले भारत के सबसे ऊंचे ढांचे में गिना जाएगा। कंपन को कम करने के लिए इंपैक्ट कुशन डिजाइन किए गए हैं। एपेक्स 32 मंजिला और सेन 29 मंजिला के विध्वंस से लगभग 35,000 क्यूबिक मीटर मलबा निकलेगा, जिसे साफ होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे।